काफी टाइम पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करा था जो कि था हाउ टू मेक योर यूट्यूब चैनल पब्लिक। अपने यूट्यूब चैनल को पब्लिक कैसे करते हैं, तो वो एक शॉर्ट वीडियो था। अगर चाहो तो मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। सेकेंड मोस्ट पॉपुलर वीडियो है तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, शॉर्ट्स में सेकेंड मोस्ट पॉपुलर वीडियो में है हाउ टू मेक योर यूट्यूब चैनल पब्लिक। तो बहुत लोग वहां पे कंफ्यूज हुए, बहुत लोगों ने कमेंट करा कि ये सब फेक है वगैरह वगैरह, और वो सब्सक्राइबर्स की बात हो रही, वो इसकी बात हो रही, वो व्यूज की बात हो रही है। वहां पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए, उनको समझ नहीं आया कि आखिरकार यूट्यूब चैनल पब्लिक कैसे हो रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना कि अगर उस वीडियो पे इतने व्यूज आ ही गए और लोग परेशान भी हैं, तो क्यों ना मैं उस वीडियो को फुल्ली एक्सप्लेन करूं। क्योंकि आप सब जानते हो कि अगर शॉर्ट वीडियो मैं आपको बता रही हूं तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊंगी कि हाउ टू पब्लिक अ यूट्यूब चैनल। तो मैंने बता दिया कि आप यूट्यूब चैनल कैसे पब्लिक करते हो। मेरे पास शॉर्ट में इतना टाइम या किसी भी क्रिएटर के पास शॉर्ट में इतना टाइम नहीं होता कि वो तुम्हें एक्सप्लेन कर सके कि ऐसा करोगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं करोगे क्या होगा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताने का टाइम नहीं होता अगर शॉर्ट क्रिएटर हो या अगर शॉर्ट डाल रखा है। लेकिन अब मैं उसी शॉर्ट को लेकर एक लॉन्ग वीडियो क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि सच में हाउ टू पब्लिक योर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं शायद एक साल बाद ये वीडियो बना रही हूँ, तो हो सकता है कि चेंजेस आए हों। तो अब ये मत सोचना कि पहले अलग था और अब अलग। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हुए हैं कि जो मैंने एक साल पहले वीडियो डाल रखे थे उनको देख के वो अब कमेंट कर रहे हैं कि उनमें प्रोफाइल आइकन नहीं शो हो रहा, उनमें ये सा ऑप्शन नहीं शो हो रहा, उनमें वो सा ऑप्शन नहीं शो हो रहा। भाई YouTube चेंज करता है और YouTube ने काफी चेंज किया है, एक साल में काफी चेंज हो जाता है, बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। तो अगर एक्सपेक्टेशन रखते हो कि जो एक साल पहले था वही इस टाइम शो होगा, तो ऐसा नहीं है। रिसेंट वीडियोस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिंपली जाएंगे, अपने YouTube को ओपन कर लेना है और जाएंगे अपने नीचे प्रोफाइल वाले आइकन पर। देखो ये वीडियो बना रही हूँ 2024 और 2004 अंडरलाइंड है। 2024 में ही अगर देख रहे हो तो ही प्रोफाइल आइकन नीचे मिलेगा। और मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, क्योंकि पहले ये प्रोफाइल आइकन इस जगह पे नहीं इस जगह पे हुआ करता था, टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे पहले हुआ करता था और अब ये नीचे बॉटम राइट हैंड साइड कॉर्नर पे है। तो सिंपली हम प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे जो कि बॉटम राइट हैंड साइड कॉर्नर पे है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिल जाएगा कि व्यू योर चैनल। अब मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगी, ठीक है। जैसे इस पर तुम लोग क्लिक करोगे तो तुम लोग का भी ऐसे ही चैनल खुल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा चैनल खुल चुका है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है एक पेंसिल का आइकन। अभी पेंसिल का आइकन इस टाइम पे कहाँ पे है समझ लेना। आपका बैनर है, आपका चैनल है, यहाँ पे मैनेज वीडियोस के बगल में पेंसिल का आइकन है, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे चैनल की सेटिंग खुल जाती है। अगर चाहो तो यहाँ से अपने चैनल का नाम चेंज कर सकते हो इस पेंसिल वाले आइकन पर जाके, अपने चैनल का हैंडल चेंज कर सकते हो पेंसिल वाले आइकन से, और डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हो उस पेंसिल वाले आइकन से। और अगर प्रोफाइल फोटो बदलनी है तो इस पर क्लिक कर देना, बैनर बदलना है तो इस कैमरे पे क्लिक कर देना। अब ये सब मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है जो कि मैं शॉर्ट्स में नहीं दे सकती, तो मैंने उस शॉर्ट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी और ना ही समझाया। यहाँ समझाऊंगी कि यहाँ पे जो प्राइवेसी का ऑप्शन आ रहा ना, अब देखो यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात है, अगर तुम लोगों ने वाला वीडियो देख रखा है तो यहाँ तुम लोग नोटिस कर सकते हो कि कीप माई ऑल सब्सक्रिप्शन प्राइवेट। अब यहाँ पे एक साल पहले एक येलो ऑप्शन था और एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन था जो कि अब नहीं आ रहा। YouTube ने बाय डिफॉल्ट प्लेलिस्ट को पब्लिक ही कर दिया है, उसको प्राइवेट करने का कोई ऑप्शन नहीं रहा, लेकिन सब्सक्रिप्शंस को प्राइवेट करने का आज भी ऑप्शन है YouTube पे। तो मैंने सिंपली आपसे कहा था कि अगर आपकी ये सेटिंग्स इस तरह से ऑन है तो आप इनको ऐसे ऑफ रखो। इन सेटिंग्स को ऑन रखोगे ना तो जस्ट बिलीव मी, एक साल पहले भी और आज भी आपके YouTube चैनल पे काफी अपडाउन आपको देखने को मिलेंगे। जब तक आपका चैनल हर तरह से पब्लिक नहीं होगा आपकी ऑडियंस को, तब तक आपकी ऑडियंस आपका चैनल नहीं देखती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इसको आपको ऑफ रखना है, और यही बात मैंने अपने उस वीडियो में बताई थी। नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन था, उसको मैंने ऑफ ही रखवाया था क्योंकि वो भी प्लेलिस्ट को प्राइवेट कर रहा था। बहुत से लोग यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक में कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आपसे कहा था कि यूट्यूब चैनल पब्लिक कैसे करें, लेकिन यहाँ पे ये
जो यूट्यूब है प्राइवेसी की बात कर रहा है, तो प्राइवेसी में देख सकते हो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कीप माई ऑल सब्सक्रिप्शंस प्राइवेट. कीप माई ऑल सब्सक्रिप्शंस प्राइवेट है. अगर प्राइवेट की जगह पब्लिक होता तो तुम इसको ऑन करते, ना कि तुम इसको ऑफ रखते. लेकिन जबकि यहाँ पे प्राइवेट है तो बात समझने वाली है. ऑन करोगे तो प्राइवेट रहेगा, ऑफ करोगे तो पब्लिक. तो सिंपल सी बात है, यही मैंने उसने भी कहा था, यही मैं इसमें कहूंगी कि इस सेटिंग को भाई ऑफ ही रखना, ऑन मत छोड़ना. तुम्हारे चैनल के लिए क्रिएट करेगा प्रॉब्लम, नहीं व्यूज आएंगे, बहुत अप डाउन देखने को मिलेंगे, अचानक चैनल नीचे चला जाएगा तो उठाने में टाइम लगता है चैनल को. तो ये बात समझो कि इस सेटिंग को ऑफ रखोगे, प्राइवेट और पब्लिक में कंफ्यूज मत हो. और एक साल पुरानी चैनल की वीडियो देखकर आज पे आप जज मत करो, बिकॉज बहुत से चेंजेस होते हैं यूट्यूब पे. तो आप मेनली रिसेंट वीडियोज पे कॉन्सेंट्रेट करो और उनसे एडवाइस लो, क्योंकि पहले से बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं. आज अब यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप वाली वीडियो देखोगे तो उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन था. सिंपल सी बात है, अगर यूट्यूब चैनल को पब्लिक रखना है तो यहाँ पे सेटिंग को ऑफ रखना. तो आई रियली होप कि अगर आप उस वीडियो को देख के यहाँ पे आए हो तो आपके काफी काफी हद तक डाउट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे. ठीक है, बहुत से कमेंट आ रहे थे तो मैंने भी सोचा कि चलो वीडियो भी बना ही देते हैं. तो आई रियली होप कि डाउट अब तो क्लियर हो ही गए होंगे. एक साथ पहले नहीं तो अब भाई साहब अपना चैनल पब्लिक कर लेना. ठीक है, बाकी मिलूंगी मैं आप सबने नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.